दर्शकों को उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है फिरोजपुर में जो होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। जरा ट्वीट हम दर्शकों को दिखाते हैं। रैली रद्द होने पर जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है। सुरक्षा में चूक को लेकर नड्डा ने निशाना साधा है। पंजाब सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है सीएम चन्नी देश से माफी मांगे। पंजाब सरकार पर जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम चन्नी देश से माफी मांगे। सुरक्षा में चूक को लेकर नड्डा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। और एक बार ये ट्वीट आपको दिखा देते हैं जहां पर साफ तौर पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम चन्नी जो हैं वो देश से माफी मांगे क्योंकि सुरक्षा में चूक को लेकर जो रैली रद्द की गई है फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसकी सीधे जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश सरकार की थी। और ऐसे में अगर ये रैली रद्द हुई है तो यहां पर माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के सीएम चन्नी को। और जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इस ट्वीट में साफ तौर पर हम देख भी रहे हैं और कहा भी है कि सीएम चन्नी देश से माफी मांगे। स्वर्णजीत हमारे ब्यूरो हेड लगातार बने हुए हैं। स्वर्णजीत, जाहिर सी बात है जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि राजनीति इस पर होना तय है और प्रतिक्रिया जो हम देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, वो साफ तौर पर बता रही है कि इस मुद्दे को बीजेपी और बुनाएगी। सीएम चन्नी से माफी मांगने तक के लिए कह दिया है जेपी नड्डा ने। देखिए, मैं अपने दर्शकों को, हर खबर के दर्शकों को बताना चाहूंगा, अश्विनी शर्मा का वो मंच से कहना, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की बसों कारों को सुनियोजित तरीके से रोका गया, उनका खाना बाहर फेंका गया। इसकी वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर बहुत जल्द डालने वाले हैं। और बेकायदा उन्होंने इस बात की हुंकार भरी कि चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश से नहीं देश से माफी मांगनी चाहिए, और यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट आता है, क्योंकि अश्विनी शर्मा बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, उनमें एक तरह से रोष दिखाई दे रहा था मौजूदा सरकार के खिलाफ। स्वर्णजीत, आप नजरें बनाए रहिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप